चलिए हम लोग पंखे की सभी पार्टों को बारी बारी से देख चुके हैं, ठीक है। अब हम पंखे के पेपर को भी काटना सीख गए, लेदराइट पेपर को, इंसुलेशन पेपर बोलते हैं इसको, काटना भी सीख गए और इसे लगाना भी सीख गए, ठीक है। अब हम इसका वाइंडिंग करना सीखेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए हमारे पास ये तार है, ठीक है, इनबिल्ट चढ़ा तार, इसके ऊपर इनबिल्ट की परत होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम का वायर है ये, एल्यूमिनियम के वायर से हम इसको वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाइंडिंग किसका करेंगे, स्टार्टिंग कॉइल का, किसका, स्टार्टिंग का, ठीक है। स्टार्टिंग में हम कितना टर्न मारेंगे, स्टार्टिंग में 380 टर्न मारेंगे, ठीक है, और रनिंग में कितना मारेंगे, 400 टर्न मारेंगे। हमेशा रनिंग का स्टार्टिंग से अधिक होता है, 25, 30, 20, समझ में आ रहा है, हमेशा रनिंग का क्या होता है, अधिक होता है टर्न किससे, स्टार्टिंग से, ठीक है ना। तो देखिए वाइंडिंग करने के लिए सबसे पहले को क्या करना है, ये वायर है हमारा, वायर को हम यहाँ घुसा लिए, इसमें लगा लिए, और इस पीछे वाले वायर को यहाँ फंसा लीजिए आप, ताकि आप कनेक्शन के समय आपका आसानी है। अब हमेशा याद रखना है कि वायर जो है हमको निकालना है किधर, ऊपर की साइड में, ठीक है, इधर की साइड में नहीं निकालना है, नहीं ऐसे निकाल दे, ऐसे निकालना है, ठीक है, ऊपर की साइड में हमको वायर को निकालना है, ठीक है। अब देखिए हमने ऊपर की साइड में वायर को ऐसे निकाल दिया, ध्यान से देखिए, एक स्लॉट आप कर लेंगे तो बाकी सब आप लोग खुद से कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए हो गया। अब देखिए क्या करेंगे, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें वाइंडिंग जो करते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, समझ में आ रहा है, एक बार क्लॉकवाइज करेंगे, एक बार इस तरह करेंगे, एक बार इस तरह करेंगे, ठीक है ना, फिर एक बार क्लॉकवाइज करेंगे, एक बार फिर एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, ठीक। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज करेंगे, देखिए इसको पकड़ा हमने, इस स्लॉट में डाल दिया, ठीक, और इसको गिनते रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसको इतना खींचेंगे कि ज्यादा टाइट भी ना हो, आ रहा समझ में, टूटे ना, समझ आ रहा है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, समझ रहे हैं, ठीक, 14, इस तरह से हम गिनते जाएंगे, 15, 16, 17, ठीक है ना। तो इसको आपको करना है, ठीक है। देखिए करने का तरीका क्या है, इसमें इसको इसको देखो, यहाँ देखो, राइट हैंड से इसको खींचना है, लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ना है दोनों उंगलियों से, और इसको घुमाते हुए, इसको घुमाते हुए और बीच वाली उंगली से इसको ऐसे कर देना, समझ में आ रहा है, इस तरह करके इसमें फंसा देना, फिर खींच देना, ठीक है, फिर दो उंगली से ऐसे पकड़े, फिर ऐसे किया हमने, ठीक है, फिर इसमें फंसा दिया, ठीक है, गिनते रहो, कितना हुआ, 13, फिर इसको पकड़ा हमने, ऐसे घुमाया, ऐसे कर दिया, 14, ठीक है, फिर ऐसे पकड़ा हमने, ऐसे कर दिया, 15, फिर ऐसे कर दिया, 16, फिर ऐसे कर दिया, 17, अरे समझ में। तो आप जल्दी जल्दी कर सकते, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ठीक है ना, इसको आप करते जाइए। तो इस तरह से हमारा एक स्लॉट का कंप्लीट हो गया, ठीक है, एक स्लॉट में क्लॉक वाइज कंप्लीट हो। अब हम क्या करेंगे, एंटी क्लॉक वाइज करेंगे, अरे समझ में, इसी स्लॉट से और इस स्लॉट में करेंगे, देखिए अब एंटी क्लॉक वाइज था ना, ऐसे ऐसे, अब ऐसे ऐसे होगा, ठीक है। तब देखिए एंटी क्लॉक वाइज में, 1, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, समझ रहे हैं, पहले हम इस तरह कर रहे थे, अब ये इस तरह कर रहे हैं, फिर आगे वाला, फिर देखिए क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, फिर क्लॉक वाइज, फिर एंटी क्लॉक वाइज, ठीक है, 7, देखिए 8, इसको गिनते रहना है, 9, 10, 11, इसके जो काउंट है, डाटा है, ज्यादा अधिक नहीं होती, 2, 4, 10 रहेगा तो चलेगा, ठीक है ना, 12, 13, ठीक है, अरे सर इसको कीजिए आप। देखिए हम लोग इसके आगे वाइंडिंग कर चुके हैं यहाँ तक, अब हम लोग अगले कॉइल में कर रहे हैं, क्लॉक वाइज था हमारा ये कॉइल क्या था, क्लॉक वाइज था, अब हम इसे एंटी क्लॉक कर रहे हैं, 15, 16, 17, 18, इसको काउंट करके हमें करना है, एक टर्न इसका आगे पीछे ना हो,
स्टार्ट हो गया। तो देखिए हम लोग स्टार्टिंग का पूरा वाइंडिंग कर चुके हैं, ठीक है। अब आगे हम लोग रनिंग का वाइंडिंग करेंगे, ठीक है। अब स्टार्टिंग का एक कॉइल हमारा बचा हुआ है जिसमें हम लोग 65 टर्न मार चुके हैं, 265, ठीक। और 100 टर्न इसमें हमको मारना है लगभग, ठीक है ना। तो देखिए अब किस तरह से इस लास्ट को हम करते हैं। 65, 63, 64, 65, 66, 66 गिनते रहो। तो इसको हम लोग इस तरह से वाइंडिंग कर सकते हैं। वाइंडिंग करते समय इसको काउंट करो, 78 हुआ, 80 हुआ, 80 हुआ, 80 हुआ, 80 हुआ, 80 हुआ। तो इस तरह से हम लोग इसके आगे कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको करते समय आपको ध्यान देना है कि बीच वाली उंगली को ऐसे पकड़ के ये ऐसे करके इसमें डालना। गिन रहे हो तो कितना हो, उधर उधर मत देखो, उधर देखो। तो इस बीच वाली उंगली से पकड़ के ऐसे डालेंगे, इसको ऐसे पकड़ेंगे। देखिए ऐसे पकड़े हमने और ऐसे, ये क्योंकि लास्ट है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए। इसी तरह से हम लोग फिर रनिंग का बाइंडिंग भी आगे वाला करेंगे, ठीक है ना। तो इसका अलग कनेक्शन हो जाएगा आपका, और रनिंग का अलग कनेक्शन होते हैं और स्टार्टिंग के अलग कनेक्शन होते हैं। रनिंग के दो कॉयल, ये रनिंग के जो कॉयल है इससे दो वायर लीड निकलते हैं बाहर, ठीक है, और स्टार्टिंग के भी दो लीड बाहर निकलते हैं। तो उन दोनों को हम लोग कंडेंसर में ले जा करके जोड़ते हैं। उसका कनेक्शन आप लोगों को आगे वाली वीडियो बता दिया गया है, तो इसके भी जब कनेक्शन हम करेंगे, चालू करेंगे, तो इसके बारे में भी हम आप लोगों को बता देंगे, ठीक। तो इस तरह से आप अपने पंखे की वाइंडिंग बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। पेपर को लगाना और पेपर को काटना, इसके बारे में भी आगे बता दिया गया है। इसका भी पूरा एक वीडियो एक ही करके इसको अपलोड कर दिया जाएगा आपके पास। अब स्टार्टिंग का वाइंडिंग हो गया, इसका वीडियो हम आगे अपलोड कर देंगे, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाइंडिंग कंप्लीट हो चुका है स्टार्टिंग का, और रनिंग का वाइंडिंग अब हम शुरू करेंगे। क्योंकि रनिंग में भी आपको क्या है कि किस तरह से पेपर को, इस पेपर को फिर काटेंगे। इस पेपर को आप देख रहे हैं, इसको कटिंग किया जाएगा। कितना हुआ, 43। तो इस तरह से पेपर को कटिंग करके कैसे इसको अंडर डालेंगे, फिर स्टार्टिंग का पेपर भी डालें, रनिंग का भी इंसुलेशन पेपर हम लोग अलग से डालेंगे, ठीक है ना। तो 60 हो जाएगा बताइएगा, ठीक है ना। तो बहुत आसान है, इसको आराम से हम डाल सकते हैं। आप 2 से 3 घंटे में एक पंखे का वाइंडिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो गया वाइंडिंग। देखिए स्टार्टिंग का वाइंडिंग इस तरह से कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सभी को इसको काटेंगे आपको, ठीक। किस तरह से पेपर काटेंगे इसका भी हम वीडियो आपको देंगे। अब देखिए ये पूरा जो पेपर देख रहे हैं आप, इसको हम कैसे काट के फिर हटाएंगे, समझ में आ रहा है। देखिए इसको सभी को पहले हम ऊपर से कटिंग कर देते हैं। हम सीख रहे हैं तो धीरे धीरे ही करेंगे, ज़्यादा हड़बड़ी से नहीं। तो सभी को आप पहले इसको काट लीजिए, ठीक है। ये कट चुका है, अब उसके बाद इसको आपको काटना है, ठीक है ना। ऊपर का जो ये है इसको आपको कटिंग करना है सभी का, इस तरह से आपको सभी का पेपर कटिंग करना है। ये इंसुलेशन पेपर सभी मोटरों में भी, अब जब कारें मोटर कनेक्शन करेंगे और मोटर की वाइंडिंग करेंगे, उसमें भी इंसुलेशन पेपर का लगाया जाता है। तो इस तरह से आप पूरे पेपर का कटिंग कर लिए, जो एक्स्ट्रा पेपर निकली हुई है उसको भी आप कटिंग कर लीजिए, ताकि इसको अंदर अब हमको डालना है। इससे स्टेटर, इस जो आप देख रहे हैं स्टेटर के जो गैप है, हाँ, इस गैप में आपको इसको डालना है। तो इस तरह से ये कट गया पेपर आपका, ठीक। अब देखिए जो लोगों ने ऊपर के इंसुलेशन को काटा है, ठीक है, अब इस इंसुलेशन को इस स्टेटर के अंदर फिट करना है, ठीक है ना। ये बाहर नहीं दिखना चाहिए, बाहर दिखेगा तो फिर ये रोटर में क्या करेगा, रगड़ेगा। ये आ रहा समझ में, रोटर में क्या करेगा, ये घर्षण रगड़ने लगेगा, क्योंकि रोटर के लिए बस 1 mm का जगह बचता है रोटर और इसके स्टेटर गैप में, ठीक है ना। तो इसको हम क्या करते हैं, अंदर डाल देते हैं। तो अंदर डालने के लिए क्या करते हैं, देखिए हमारे पास 2 चिमटा है, आप किसी भी चीज़ से डाल सकते हैं। जैसे आप इसको अंदर डालते हैं, अंदर डालते समय एक चीज़ का ध्यान देना होगा आपको हमेशा,
ठीक है ना। अब देखिए इसको आप लोग वाइंडिंग ऊपर की तरफ गड़बड़ कर दिया। एक चीज़ का आपको हमेशा ध्यान देना है कि ये जो है तार हमारा जो वायर वाइंडिंग जो किए हैं हम, वो कटना नहीं चाहिए। समझ में आ रहा है? क्या नहीं होना चाहिए? कटना नहीं चाहिए, ठीक है ना। नहीं तो तार को उसको डालते समय वायर हमारा यदि कट जाता है तो हमारा पूरा मेहनत क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि इतनी सावधानी से इसको डालना है कि वो तार हमारा क्या करे, कटे ना। आप लोगों ने इसको ऊपर थोड़ा सा कर दिया है, ध्यान देना चाहिए। तो कटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो देखिए डालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम दो चिमटों से अपने हिसाब से इसको पकड़ लेते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको अंदर की तरफ इसको भर देते हैं, अंदर की तरफ इसको डालते हैं, क्योंकि नीचे गैप है, ठीक है ना। नीचे गैप है तो ये अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। उधर चला गया, अब फिर इधर गैप है तो इसको पीछे की तरफ इस गैप में इसको भरेंगे। देखिए जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से आप लोग भी इसको बहुत ही आसानी से डाल सकते हैं। इसलिए इसको अंदर किया जाता है ताकि स्टेटर में जा करके ना रगड़े। फिर इसके बाद ऊपर से आप इसको स्पेस ऐसे करके दे सकते हैं, तो पूरा टाइट कर लेना, ठीक है ना, ढीला नहीं, ठीक। तो देखिए आपका ये अंदर चला गया, इतना भी चल जाएगा तो बहुत है, ठीक है, ठीक। उसके बाद इसको अंदर फंसा दीजिए ले जाकर के, ठीक चला गया। फिर उसी तरह से चिमटा भी ध्यान देना, चिमटा भी खराब ना हो। फिर उसी तरह से देखिए यहाँ गैप है, आप लोग एक के ऊपर एक चढ़ा दिए हैं ना, सबसे गलती यही की है। देखिए ऐसे वाइंडिंग नहीं करते हैं, एक के ऊपर एक चढ़ा दिए हो। तो देखिए इसको फिर उसी तरह से जैसे हम लोगों ने उसका किया, ठीक है, तो उसी तरह से आपको देखना तार हमारा ना टूटे, क्योंकि आप लोग इसका वाइंडिंग जो किया है वो बहुत ऊपर की तरफ है, समझ आ रहा है। तो इसका ध्यान देना है कि तार ना टूटे बहुत ही, नहीं तो पूरा का पूरा मेहनत बेकार हो जाएगा। फंसा देना दोनों तरफ से पकड़ के, ठीक हो गया ना, ठीक। तो इस तरह से आप लोगों को करना है आगे के, इसी तरह से साड़ी को हम लोग कर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है।